वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। हम विधानसभा चुनाव भी उतने अच्छे सीटें नहीं ला पाए थे और यहाँ पर भी हमको उसी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हुआ है देश के अंदर कि अगर हमने नमक भी दिया है तो नमक का कर्जा उतारने की अपील की है बीजेपी ने। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटों पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। 29 में से 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने हार का सामना किया है। कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई, आपको क्या लगता है कि आप अपनी बात पहुँचाने में कहाँ थोड़े से नाकाम साबित हुए। देखिए, ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं था, ये देश का चुनाव था और कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से पूरे देश में बढ़त बनाई है वो दिखा रहा है कि एक व्यक्ति जो खुद को भगवान मानने लगा था, जनता से ऊपर मान रहा था, जनता बहुत तंग थी, उन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि जो देश की जनता ने जनादेश दिया है वो एक अहंकार के घोड़े पर सवार व्यक्ति को नीचे उतार कर फेंक दिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कमियां रही हैं उन पर हम आत्मचिंतन करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। केवल इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश भी अगर जो इंडिया गठबंधन की टैली है उसमें कुछ सीटों का योगदान देता तो बहुत खुशी की बात होती। सर, देश में देखा हमने तो इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जितना आप लोग ने भी शायद उम्मीद नहीं की होगी, उससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन ये रिजल्ट जैसी उम्मीद मध्य प्रदेश में थी वैसा नहीं देख पाए मध्य प्रदेश से आप लोग? नहीं, देखिए मैं तो इस बात का हामी हूँ और इस बात पर मेरा अटल विश्वास था कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो हमने कहा है उस पर विश्वास करके युवा महिलाएं और जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए हमने 5 गारंटियां दी थी, सब हम पर विश्वास करेंगे और निश्चित रूप से ऐसा पूरा वातावरण देखने को मिला। और कांग्रेस पार्टी ने जस्ट डबल सीटें की हैं और जो हमारा इंडिया गठबंधन था उसने बता दिया कि आज भी देश में लोग अधिनायकवादी ताकतों से, तानाशाही ताकतों से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर, जैसा आपने कहा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता ने पसंद किया, क्या ये मैनिफेस्टो की बातों को जनता, जो आपकी गारंटी और वचन थे उसको मध्य प्रदेश की जनता नहीं एक्सेप्ट कर पाई? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में जो सीनेरियो था, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और वहाँ पर उन्होंने एक 1250 की जो गारंटी दी हुई थी और जो वो दे रहे थे 6-7 महीने से, उससे मुझे लगता है कि कोई परिवर्तन आया नहीं, क्योंकि उसी की वजह से हम विधानसभा चुनाव भी उतने अच्छे सीटें नहीं ला पाए थे और यहाँ पर भी हमको उसी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग शृंगार जी और सारे युवा नेता जो हैं, हम सब मिलकर फिर से प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए और हम पर जो एक थोड़ा सा डेंट आया है उस डेंट को हम साफ करें, उसको आगे बढ़ें। आगे का सफर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और मजबूती के साथ हो। सर, एक सीट थी आपके पास छिंदवाड़ा, ऐसी क्या कमी रह गई या क्या कुछ आप मानते हैं कि वहाँ पर और बेहतर हो सकता था जिससे जो एक सीट आपके कब्जे में थी वो भी बचाई जा सकती थी? देखिए, जो ये रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, ये बहुत ऑर्गेनिक परिणाम नहीं मानता हूँ मैं इनको। दूसरी चीज़ ये है कि जो मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने एक लाभार्थी प्रदेश बना दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर कि अगर हमने नमक भी दिया है तो नमक का कर्जा उतारने की अपील की है बीजेपी ने। घर घर जाकर लाभार्थियों की सूची बनाई और उनसे कहा है कि अगर हम तुम्हें 5 किलो फोकट का अनाज दे रहे हैं तो आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे अगर आप हमें वोट नहीं देंगे। तो ये जो है, कई जगह जो मध्य प्रदेश का समाज शायद कृतज्ञ समाज है और उसने अपने इस उपकार को उतारा है और इसकी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पूरे देश की जो परिस्थिति है वो थोड़ी भिन्न है। पूरे देश में लोगों ने रोजगार को महत्व दिया है और मध्य प्रदेश में 1250 रुपये की जो है को महत्व दिया है। परिस्थितियां बदलेंगी लोगों को जब इसकी वास्तविकता पता चलेगी। आज हालत ये है कि आपको 1250 रुपया मिल रहे हैं और महंगाई जो है 4 गुनी हो गई है, तो 1250 का तो कोई पता ही नहीं है। अभी आप देखें, दूध 2 रुपये लीटर बढ़ गया है,
टोल टैक्स 5% बढ़ गया है, इसका असर किस पे आना? उसी 1250 रुपये के लाभार्थी के ऊपर आज जो है तेल की कीमत, एक तरफ लाभ पहुँचा रहे हैं जनता को, एक दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन MP जनता नहीं समझ पाई। ये समझेगी जनता, अब हमें ऐसी उम्मीद है और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचें, लोगों तक हमारी बात पहुँचे। इस जेब से पैसे निकाल लेते हैं टैक्स के बहाने, महंगाई के बहाने, और इस जेब में डाल के कहते हैं कि हमने पैसे दिए वोट दो, ये समस्या है। कांग्रेस की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि 5 से 7 सीटें जीत मध्य प्रदेश में जीत हासिल करेंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जो एक सीट आपके पास थी वो भी चले गई और 29 में 29 भाजपा जीत गई। देखिए, दावे किए जाते हैं जब चुनाव होता है लोकतंत्र के पर्व में, हर पार्टी अपना पक्ष रखती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम का जो आशीर्वाद पूर्ण रूप से राहुल गांधी जी को मिला है, उनकी मेहनत को, सत्य की राह पे चलने को, मोहब्बत की जो बात वो करते थे और मोहब्बत की दुकान की जो बात करते थे, उसका लगातार भाजपा मजाक उड़ाती थी, और आज भाजपा का मजाक उड़ रहा है क्योंकि उन्होंने ना भगवान श्री राम की बात सुनी, ना ही उन्होंने लोकतंत्र की बातों को जो हम करते थे वो सुना, ना संविधान की बात करी, और इनके नेता आरक्षण का लगातार विरोध करते थे। जनता ने ज़बरदस्त जवाब दिया, पूरे देश में आज एक तरीके से मोदी के विरोध में जनता उठकर खड़ी हो गई और रिजल्ट सामने है। आपको लगता है MP में ये कुछ कमी रह गई आप लोग की, जैसे देश के रिजल्ट तो बेहतर आए आप लोग की जैसी उम्मीद थी उससे अच्छे? देखिए, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, बंगाल हो, चारों तरफ जनता ने ज़बरदस्त समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई जो कहते हैं कि डिलीवरी, हमारे न्यायपत्र की डिलीवरी हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, सही से जनता उसको कनेक्ट नहीं कर पाई होगी। जनता आगे देखिएगा, आप ये रिजल्ट देख के जनता को भी समझ में आएगा और आगे आपको बहुत अच्छा मूवमेंट जनता का भाजपा सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस के तमाम नेता है और जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे तो संतुष्ट हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि MP में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उससे अब जनता ने जो है, जो कांग्रेस का वचन पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, वो जनता तक पहुँचा, लेकिन वो जनता उस बातों को नहीं समझ पाई है और संगठन में भी कोई कमी रही होगी, अपनी बात पहचानने में कोई कमी रही होगी, तो उसको और मजबूती से अब और आगे काम किया जाएगा। भोपाल से TV9 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।